बनते हुए देखा है, एक एक गतिविधि में मैं उनके शामिल रहा हूँ और आज यहाँ पर वो आए हैं दोस्तों, तो मैं उनके सब प्रोज एंड कॉन्स को जानता हूँ। बहुत शानदार इंसान है साथियों, और बहुत एक्साइटेड होकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सीरियसली, और बहुत सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं दोस्तों। पेशे से गवर्नमेंट टीचर और बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते थे दोस्तों, और वो सारा प्रयास अब छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएफ बिजनेस में लग गए हैं। और बहुत कम समय में उन्होंने अभी सितंबर महीने में जो बीता है, पर्ल का मुकाम उन्होंने लिया है साथियों। तो मैं आप सब की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से श्रीमान रामबचन यादव जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, मिस्टर रामबचन यादव जी स्क्रीन पर आए सर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत रामबचन सर। रामचंद्र जी आप अनम्यूट हो। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें पोर्टल पर आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस पोर्टल से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं जो है अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम रामबचन यादव है, जैसा कि सर ने बताया। पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ साथियों। फुल टाइम में मैं नौकरी का काम करता हूँ, मैं टीचिंग का काम करता हूँ, और पार्ट टाइम में साथियों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। काफी आनंद आ रहा है। मैं बेसिकली रहने वाला आजमगढ़ के एक छोटे से गांव निजामपुर सेनुरी का रहने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई साथियों प्राथमिक शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल में हुई, और मैं एमए बीएड नेट हूँ साथियों। पढ़ते पढ़ते ही साथियों मुझे नौकरी मिल गई, और मैं सोचा कि इससे जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सैलरी मिली और खर्चे जो है और तैयारी करने लगा, और मैं साथियों यूपीपीसीएस के जो है 7-8 मेंस दिए, लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली, और मैं देता रहा। लेकिन साथियों इसी बीच जो है मेरा ट्रांसफर जो है बस्ती जिले से आजमगढ़ जिले में हुआ, और मैं यहाँ भी तैयारी करने लगा। लगातार परीक्षाएं मैं दे रहा था। इसी बीच हमारे जीवन में आदरणीय गुरुदेव हमारे श्री महेंद्र यादव जी का पदार्पण हुआ साथियों। मैं सर के घर पे बैठा हुआ था, और सर ने बताया कि रामबचन मेरे जो है खाते में 99 रुपया आया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा उत्साहित हुआ कि गुरुदेव इतनी तनख्वाह पाते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और 99 रुपये की बात कर रहे हैं। तो मैं काफी एक्साइटेड हुआ, और मैं जो है सर के सोफे पर खड़ा हो गया और कहा कि गुरुदेव अगर 99 रुपया आया है तो 99 लाख भी आएगा, सिस्टम बताइए क्या चीजें हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे बहुत तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बीज के जो बिचौलिए होते हैं उसी का पैसा जो है कंपनी बांटती है। तो हमने तुरंत अपना जो है सारा निकाला डॉक्यूमेंट्स, और हमने कहा सर अभी लगा दीजिए, क्योंकि सर भी नए थे। तो उन्होंने कहा मुझे लगाने आता ही नहीं। हमने कहा सर आइए हम लोग दोनों लोग मिल करके लगाते हैं आईडी। और साथियों हमने वो आईडी लगाया, और धीरे धीरे बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया। उतना इंटरेस्ट अभी नहीं आ रहा था, तभी हमारे जीवन में श्री सुरेश यादव जी का पदार्पण हुआ। एक छोटी सी होम मीटिंग थी, गुरुदेव आए हुए थे महेंद्र सर के आवास पर, और सुबह जो है सुल्तानपुर जो है सर को जाना था, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी कल छुट्टी है, चलिए सुल्तानपुर घुमाया जाए। साथियों जब मैं सुल्तानपुर गया तो हमने क्या देखा कि वहाँ एक फौजी साहब पिस्टल लगाए हुए और जो है प्लान दिखा रहे थे, सारी बातों को बता रहे थे, इसकी महत्ता को समझा रहे थे, और
एक अच्छी खासी भीड़ थी, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। उसके पश्चात जब मैं निकलने लगा तभी एक वृद्ध आदमी आकर के सुरेश सर के पैरों में जो है कि उनका जो है चरण स्पर्श करने लगे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, कहा गुरुदेव आपने हमको बचा लिया, आपके प्रोडक्ट से मैं जो है स्वस्थ हुआ हूँ। बड़ा वो क्षण मुझे इतना वो लगा कि देखिए यहाँ सारी चीजें हैं। फिर मैं आकर के यहाँ पर जबरदस्त तरीके से साथियों लग गया और धीरे धीरे कारवां बढ़ा। मैं पहले ही महीने में बिगिनर बना और टारगेट मंथ में साथियों जो है मैं स्टार बना। लेकिन जब मैं स्टार बना साथियों तो काफी मुश्किलें थी। वास्तव में जब आपको कोई सफलता मिलती है तो ऊपर वाला परीक्षा लेता है साथियों। सफलता आसानी से नहीं मिलती, मेरी तबीयत खराब थी। और उस बीच हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री संतोष कुमार पाठक जी की कार में बैठ करके हम बिजनेस को जो है कर रहे थे, क्योंकि तो मैं चल नहीं पा रहा था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था। और हमने उस स्टार पिन को प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि अगले महीने वो मेरा बिजनेस डाउन हुआ क्योंकि जो है वो टारगेट मंथ था। लेकिन मैं समझ गया था कि अगर ये बिजनेस होगा तो ये इनकम आएगी साथियों। वो इनकम मेरी 28,000 की आई थी और लगभग जो है वेतन भी इर्द गिर्द ही था। तो ये चीजें साथियों रही जीवन में, मैं उसको लगातार जो है कि करता जा रहा था। और बहुत सारी निगेटिविटियां आई, हमारे रिलेटिव जो है कि मना करते थे क्योंकि वो जानते थे कि लगातार मेंस दे रहे हैं, कहीं कहीं अधिकारी हो जाएंगे। और मैं जो है कि तैयारी करना छोड़ दिया था। इसके रीजन और विजन को मैं समझ चुका था साथियों। मैं देख पा रहा था कि ये मात्र और मात्र एक ऐसा जो है कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से जीवन के सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। और मैं लगा रहा हमारे कुछ रिलेटिव जो है, हम लोग दो भाई हैं साथियों, भाई साहब को उन्होंने फोन किया, ये क्या आरसीएम वरसीएम वो जो है कि कर रहा है, लगातार मेंस जो है कि वो दे रहा है, तो जो है क्यों नहीं जो है कि इसमें लगा रहे और एक एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो भाई साहब हमसे कुछ नहीं कहे, एक बार आए और भाई साहब ने कहा कि बाबू कौन सी आप जो है कि तैयारी छोड़ दिए, मैं सुना हूँ और आप जो है कि आरसीएम कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया आपको हमारे ऊपर भरोसा है तो जो है कि अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको मैं इसमें बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि जो है कि ठीक है तो इसको आप बढ़िया से ही करिए। और साथियों मैं लगा रहा और मैं जब रॉयल्टी बना साथियों, मेरा पोस्टर पड़ा चारों तरफ जो है कि लोग मीटिंग सेमिनारों में जानने लगे। तो वही रिलेटिव जो मुझे मना करते थे, उन्होंने कहा कि अकेले ही आप पैसा कमाएंगे और वो आ करके जो है कि मेरे साथ ज्वाइन हुए साथियों। तो इस बिजनेस की वो ताकत है कि हम यहाँ से कुछ बड़ा कर सकते हैं। जहाँ पर लोग हमें मना करते हैं वही लोग आकर के आपके साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में लोग नहीं आते साथियों, हमारे पड़ोसियों ने, वैसे तो मैं शहर में ही रहता हूँ, हमारे कुछ पड़ोसी पड़ोसियों को हमने जब प्लान दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। और फिर बाद में आकर के हमारी मैडम को उन्होंने मना किया कि भैया उनको मना कर दीजिए, ये बिजनेस बहुत टफ है, हो नहीं पाएगा। लेकिन साथियों हमने करके दिखाया। आज जो है मैं इस बिजनेस में जो है टेक्निकल पिन पर हूँ साथियों। अभी पिछले महीने मैं जो है कि पर्ल की पिन अचीव किया है। तो ये सारी चीजें हमारे इन महागुरुओं की देन है। मैं हर बात को जो है कि मानता रहा गुरुओं को जो है। पहले तो अटपटा सा लगता था क्योंकि मैं एमए बीएड नेट हूँ साथियों, तो मैं सोचता था मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब वो चीजें मेरे सामने से गुजरती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, जो गुरुदेव कह रहे हैं वही सही है साथियों। तो ये चीजें हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजें आएंगी, लोग मना करेंगे। और अगर हम इन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने गुरुओं को जो है कि अगर उनकी बातों को अच्छा से पालन करते हुए साथियों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम साथियों आगे जा सकते हैं। साथियों परीक्षा तो होनी ही होनी है। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज में आगे जाता है ना तो उसकी परीक्षा निश्चित रूप से ली जाती है। तो मैं एक ऐसी ही परीक्षा की बात करूंगा कि मैं जब रॉयल्टी साथियों कर रहा था
तो आप जानते हैं कि 3 महीना जो है क्वालिफाई करना होता है, उसी दौरान मेरी जबरदस्त तबीयत साथियों खराब हो गई, जबरदस्त खराब हो गई, और मैं जो है बिल्कुल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था। लेकिन मेरा ध्यान पूरा बिजनेस पर था। रीजन क्या है कि हमने सुन रखा था कि सफलता को जो है आपकी बीमारी से नहीं लेना देना है, आपके जो है कि मजबूरी से नहीं लेना देना है, वो आपका इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन मैं उन विषम परिस्थितियों में साथियों में हॉस्पिटल से क्लोजिंग कराता रहा। एक छोटा सा वाकया है कि मैं जो है ऑपरेशन रूम में जा रहा था, मुझे जो है कि फोड़ा हो गया था, तो मैं जा रहा था और मेरे एक जो है डाउनलाइन ने मुझे फोन किया, क्योंकि मैं कुछ पोस्टर बना के रखा था, डालता था बिजनेस देख करके। तो उन्होंने फोन किया कि सर हमारा भी पोस्टर बना दीजिए। मुझे हंसी आई कि मुझे चैम्बर में जो है ले जाया जा रहा था स्ट्रेचर पर, और मैं कान में मोबाइल लगाए हुए था। तो साथियों इस तरह से कमिटमेंट होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि सफलता जो है ना ये नहीं देखेगी कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किन परिस्थितियों में हैं। तो हमें उस हर समय का जो है कि वो करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, और जबरदस्त तरीके से जो भी समय मिला हुआ है, कब क्या किसके साथ हो जाए साथियों, किस कौन सी मजबूरियां आ जाए, जब आपके पास सही समय है तो आप जबरदस्त तरीके से काम करें। मैं हॉस्पिटल से आकर के साथियों हमारे एक डाउनलाइन में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं अबू हलाल अंसारी जी, उन्होंने उनकी कार है साथियों, मेरे पास कार नहीं थी, मैं उनकी कार में लेट करके जो है कि फील्डिंग किया, और अंततः हमने जो है टेक्निकल के मुकाम को साथियों हासिल किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपकी परीक्षा तो होगी होगी, जो साथी डटे रहेंगे वो जो है कि निखर जाएंगे, चमक जाएंगे, लेकिन जो इन विघ्न बाधाओं से डर जाएंगे साथियों, वो उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों इसी प्रकार मेरे पास कार नहीं थी, इस सिस्टम के माध्यम से हमने जो है कार लिया, और आज मैं जो है उस कार से जो है कि फील्ड में जाता हूँ साथियों। तो ये जो है कि आरसीएम बिजनेस की देन है, क्योंकि हम गवर्नमेंट इम्प्लाई होते हैं, बहुत सारे लोन ले रखे होते हैं, बहुत सारे साथी हमारे जो है कि लोन से जमीन लेते हैं, मकान बना लेते हैं, किस्तें भरते रहते हैं, फिर दिक्कतें आती रहती है। लेकिन साथियों हमने टीडीएस भरा हुआ था मैडम का जो है सॉरी ये रिटर्न भरा हुआ था 2 साल का, और उसके माध्यम से मैडम के ही नाम से गाड़ी सारी तो साथियों हमने लिया, और आज हम जो है कि एक शानदार गाड़ी टाटा टिगोर साथियों इस सिस्टम की देन से जो है कि मेंटेन करते हैं। तो इसकी ताकत बहुत बड़ी है साथियों। जहां मैं नौकरी में किसी को 10 रुपया नहीं दे पाता था, किसी साथी का हेल्प नहीं कर पाता था, आज जो है लाखों रुपए हमारे टीम में साथियों बट रहे हैं। तो ये सिस्टम की देन है, और मैं अब कोटि कोटि जो है धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय महेंद्र सर, आदरणीय महागुरु हमारे संतोष कुमार पाठक सर, डीके सिंह सर, और जो है सुरेश यादव सर, ये सारे लोगों से मैं सीखता हूँ। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं फोन करके जो है इनसे जो है कि बिजनेस के बारे में अच्छा सा जो है सीखने का काम करता हूँ साथियों। तो मुश्किलें तो आएंगी साथियों, आपके अपने लोग ही आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे जब आप सफल होते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है साथियों। तो समय बहुत कम है, मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा, और थैंक यू, ओवर टू पाठक सर। धन्यवाद रामबचन सर, बहुत अच्छा शानदार स्टोरी रही आपकी। और वास्तव में ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षा लिया, जब जब आपने टारगेट लिया तब तब ऊपर वाले ने आपकी परीक्षा लिया और हॉस्पिटल में आप थे। लेकिन आपने सही कहा कि अगर इरादे मजबूत हो, ठान लिया जाए तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होकर रहता है, क्योंकि आपने ठान लिया था तो आपका लक्ष्य पूरा हुआ। और साथियों ये थे रामबचन यादव जी, जो पेशे से गवर्नमेंट टीचर है, उसके साथ साथ पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस करके आज पग लचीवर बने हैं। और अभी आपने उनके मुख से सुना कि आज वो अपनी गवर्नमेंट सैलरी के बराबर की इनकम आरसीएम बिजनेस से ले रहे दोस्तों। तो आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, आपका भी जीवन बदल सकता है, आप भी इस तरीके से इंटरनेशनल पोर्टल पर आ सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, बात घूम फिर करके वही आती है दोस्तों कि आपका टारगेट कितना बड़ा है, आप ठाने हैं कि नहीं ठाने हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आप
खुद और अपनी टीम को लेकर के इस सुबह के जूम पोर्टल पर आते हैं कि नहीं आते हैं। बात तो बनेगी तो यहीं से बनेगी साथियों, यहीं से बनेगी। और मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने भी अचीवर्स हमारे आए हैं दोस्तों, वो सारे के सारे वो अचीवर्स हैं जो इस पोर्टल से हर परिस्थिति में प्रतिदिन जोड़ते हैं, प्रतिदिन जोड़ते हैं साथियों। मैंने ऐसे किसी अचीवर को अपने टीम में बता रहा हूँ नहीं देखा।